हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 30 ऑन सिविल प्रोसीजर कोड, सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 हमारे पास डील्स करता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या है? जिस कोर्ट के अंदर डिग्री पास हुई, फिर चाहे वहाँ उसकी एग्जीक्यूशन उसी कोर्ट के अंदर हो या फिर उसकी एग्जीक्यूशन किसी और कोर्ट में हो, मगर जहाँ भी उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है उस कोर्ट को हम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहेंगे। ठीक है, बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से सवालात हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं या फिर ऑब्जेक्शंस हैं जो कि आप एक हमारे पास एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी रेज कर सकते हैं, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जीक्यूशन के टाइम पर रेज नहीं कर सकते। तो आइए हम देख इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, इसकी बैरडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज। अब बिटवीन द पार्टीज, यहाँ पर पार्टीज वर्ड हुआ है, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन लास्ट में दे दूंगा कि हमारे पास यहाँ पर पार्टीज किसको कहा जा रहा है। आ रही बात समझ में? पार्टी टू द सूट इन विच डिग्री वाज पास्ड, जिसके अंदर डिग्री पास की गई है। आ रही बात समझ में? जो भी क्वेश्चंस रेज आपके, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपका उठता है एग्जीक्यूशन के दौरान भी, तो फिर आप कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चंस? फॉर एग्जांपल, आर दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर जो हमारे पास पार्टीज़ है वो, या फिर जो भी इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो। हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें बहुत बड़ा हमारे पास डिफरेंस है, वो भी मैं आपको इसकी बैरडी के बाद बताता हूँ। तो हमारे पास रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से रिलेटिंग अगर कोई भी सवाल है तो फिर आप वो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर उसी एग्जीक्यूशन के अंदर अगर डिस्चार्ज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डिस्चार्ज मीन्स अगर किसी को आप मिसाल फॉर एग्जांपल किसी के खिलाफ आप एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, डिग्री एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, मगर वो जो है आप हमारे पास वो हमारे पास एग्जीक्यूशन उसकी नॉर्मली हो जाती है, वो आपको पैसे लौटा देता है या फिर जो पोजीशन है आपको पोजीशन दे देता है, तो फिर उसको फ्री फ्रॉम लायबिलिटी कर देना, उसकी ऑब्लिगेशन से फ्री करना, उसको डिस्चार्ज कहते हैं। या फिर सेटिस्फेक्शन, या फिर मुतमिन हो जाना किसी और तरीके से, या तो फिर जो एग्जीक्यूशन जिसके जिस चीज़ के लिए एग्जीक्यूशन अलो हुई है उस चीज़ को वो जो जजमेंट डेटर है वो डिग्री होल्डर को सेटिस्फाई कर ले, तो फिर वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। आफ्टर द डिग्री शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। जो भी अगर आपका एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई सवाल उठता है तो फिर आप एग्जीक्यूशन के दौरान वो सवाल करें, ऐसा नहीं आपकी एग्जीक्यूशन अलो हो जाए उसके बाद आप सेपरेट सूट फाइल करें उस एग्जीक्यूशन पर, ऐसा नहीं होगा, सेपरेट सूट नहीं फाइल होगा। सब सेक्शन टू कहता है द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशंस आर ज्यूरिस्डिक्शन। जो भी कोर्ट कर सकती है, यहाँ पर वर्ड हुआ इस्तेमाल हुआ है मे, मैंने आपको पहले बताया है मे और शल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मे जो है हमारे पास क्या होता है, मैंडेटरी नहीं होता है कोर्ट पर, ये होता है डायरेक्टरी, और शल जो है वो डायरेक्टरी होता है कोर्ट पर, और कोर्ट को उसको मानना ही होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ट्रीट अ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज अ सूट। जो प्रोसीडिंग्स है, ये जो एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आप कोई एप्लीकेशन क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं तो फिर वो जो प्रोसीडिंग्स है वो एज अ सूट भी मान लिया जा सकता है, या फिर अ सूट एज अ प्रोसीडिंग, या फिर जो सूट है मैन वो एज अ प्रोसीडिंग्स मान लिया जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। एंड मे इफ़ नेसेसरी ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फीस। अगर कोर्ट समझे कि अगर आपने ऐसा क्वेश्चन रेज किया है, हमारे पास एग्जीक्यूशन के वक्त अगर कोई ऐसी चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करवा ली है, अब इन पर कोर्ट फीस बनती है,
अब इन पर कोर्ट फीस बननी चाहिए, कोर्ट आर्डर कर देती है, आप इन पर जो प्रॉपर फीस है कोर्ट की वो आप पे करें, उसके बाद हम डिसाइड करें कि आपका लीगल जो क्वेश्चन से आरी बस समझो। इसके बाद चलते हैं सबसेक्शन थ्री पर, वेयर अ क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर एनी पर्सन इज आर इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी। अब कोई क्वेश्चन अराइज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक डिग्री पास हुई है, हमारे पास ए ने सूट फाइल किया बी पर, और जो बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो सवाल हो जाए कि ये बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या फिर जिसके फेवर में डिग्री हुई है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी पर सूट फाइल किया और डिग्री जो है किसके फेवर में आ गई, ए के। अब ए क्या हो गया, डिग्री होल्डर हो गया। अगर डिग्री होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो फिर वहाँ सवाल उठता है कि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये जो है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, क्योंकि ये इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो फिर इस मैटर पर कोर्ट ये क्वेश्चंस डिटरमाइन कर सकती है और ये क्वेश्चंस कोर्ट सॉल्व कर सकती है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ तक बात क्लियर है। सच क्वेश्चन शल फॉर द पर्पजेज ऑफ द सेक्शन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, कोर्ट उस सवाल को हल कर सकती है। और रिप्रेजेंटेटिव को लेकर अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के दौरान अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टी का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डिग्री होल्डर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, तो फिर हमारे पास जजमेंट डेटर कहता है कि नहीं साहब, ये जो है डिग्री होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और ये प्रूव कर जाता है, तो फिर कोर्ट ऐसे एग्जीक्यूशन को रिफ्यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर डिग्री हमारे पास जो जजमेंट डेटर है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, और डिग्री होल्डर प्रूव कर लेता है कि इसके अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसके अगेंस्ट में क्यों किसी से नाजायजी नहीं होनी चाहिए, तो फिर कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है। जहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज़ बीन डिसमिस्ड, मीन्स जहाँ पर अब यहाँ पर पार्टीज किसको कहा जा रहा है, वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में सूट डिसमिस हुआ हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ए ने सूट फाइल किया बी पर, जो सूट जो है ए क्या सूट क्या हुआ डिसमिस हुआ, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, यहाँ पर ए पार्टी हो गया। और जहाँ पर ए ने सूट फाइल किया बी पर, मगर यहाँ पर बी का जो डिफेंस है वो डिसमिस कर दिया, मीन्स ए के फेवर में डिक्री आ गई, तो फिर अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पार्टीज टू द सूट जिसके अगेंस्ट में डिक्री डिसमिस हो। यहाँ तक बात क्लियर है, वो पार्टीज टू सूट मान लिया जाएगा। अब एक बात है, पार्टी सुइंग आर बीइंग सूड, सुइंग मीन्स जो सूट फाइल कर रहा है उसको सुइंग कहा जाएगा, और जिसके अगेंस्ट में हो रहा है वो सूड कहलाएगा, बीइंग सूड। कौन मीन्स पार्टी हो सकती है, कौन सूट फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट में सूट फाइल हो सकता है, आप देख लें। अगर जहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए मैं आपसे जिस बात शेयर कर लूं कि यहाँ पर हम कौन से सवालात जो हैं रेज कर सकते हैं, सेक्शन से हमारे पास 47 के तहत कौन से सवाल हम इस एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिक्री है, डिक्री मीन्स एक्सेस हो जा रही है, फॉर एग्जांपल किसी अमाउंट 50,000 की अमाउंट के लिए डिक्री जो है पास हुई थी, मगर यहाँ पर एग्जीक्यूशन में 60,000 की एग्जीक्यूशन हो रही है, तो फिर ये क्वेश्चन डिटरमाइन हो सकता है। और अगर जहाँ पर डिक्री 50,000 की है मगर यहाँ पर 40,000 की हो रही है, ठीक है, तो फिर ये भी क्या है, डेफिशिएंट है, ये एक्सेसिव आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है, और आप डेफिशिएंट क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं कि सर हमारी जो डिक्री हुई है 50,000 की और आप जो डिक्री एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं 40,000 की या 50,000 की एग्जीक्यूट करवाएं, यहाँ तक बात क्लियर है। और या फिर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है रॉन्गली टेकन इन एग्जीक्यूशन, या फिर जो एग्जीक्यूशन करवाई गई, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी अटैच कौन सी करनी थी एग्जीक्यूशन में, प्रॉपर्टी अटैच करनी थी एक्स मगर गलती से अटैच कर ली वाई,
ठीक है, ये सवाल डिटरमाइन हो सकता है, सर आपने वाई अटैच कर ली है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो वाई है वो रॉन्गली आपने इस कोर्ट की एग्जीक्यूशन में ले ली है, अब ये प्रॉपर्टी वाई नहीं है ये एक्स है, तो वो सवाल भी आप कर सकते हैं। फोर नंबर पर, वेदर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू डिसीज्ड जजमेंट डेटर या नहीं, अब जो प्रॉपर्टी कोर्ट के तहत जो डिक्री हुई थी, ठीक है, जिस एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री हुई थी, हमारे पास जो डिक्री पास हुई थी और जिस पर एग्जीक्यूशन करवाई जा रही है वो प्रॉपर्टी तो जजमेंट डेटर की है ही नहीं, मीन्स जो डिसीज्ड है उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं, ये सवाल भी वैलिड है और ये सवाल डिटरमाइन कोर्ट को करना है। फॉर एग्जांपल, जिस प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन करवाई गई है, ठीक है, एक एक्स प्रॉपर्टी एक वाई प्रॉपर्टी, अब एग्जीक्यूशन अलो हुई है एक्स प्रॉपर्टी की, आ रही बात समझ में, मगर एक्स से जो प्रॉपर्टी है वो उस जजमेंट डेटर की है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी वाई है, तो फिर ये सवाल हो सकता है ना, जो मीन्स प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मेरे फेवर में कोई डिग्री पास होती है और जो फॉर एग्जांपल कोई सामने किसी के अगेंस्ट में होती है, मगर जो कोर्ट डिग्री पास करती है वो तो सही है, मगर एग्जीक्यूशन में कोई और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास हुई, उसकी प्रॉपर्टी तो अटैच नहीं हो रही, किसी और की हो रही, तो फिर किसी और से नाजायजी नहीं चलेगी, ये बात आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अब हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है, अब एग्जीक्यूशन में हम कौन कौन से सवाल जो है रेज कर सकते हैं, अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो फिर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको उसका फौरन ही जवाब दूंगा, ठीक है, और इसका ज़्यादा डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है, बस अब इतना थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन से सवाल इस सेक्शन के तहत कवर नहीं होते, मीन्स कौन से सवाल हम एग्जीक्यूशन के वक्त डिटरमाइन नहीं करवा सकते कोर्ट से। अब हमारे पास कोई डिग्री प्रॉपरली पास हो गई, डिग्री पास होने के बाद एग्जीक्यूशन का जो हमारे पास जो टाइम पीरियड था लिमिटेशन का वो भी गुजर गया, आप एग्जीक्यूशन पे आ गई और एग्जीक्यूशन हो रही है, उस टाइम आप ये नहीं कह सकते कि सर ये डिग्री जो है फ्रॉड से हासिल गई है, ये सवाल आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक हमारे पास अथॉरिटीज़ नहीं, एक नहीं काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं कि जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है वो डिग्री के बियॉन्ड नहीं जा सकती, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एज एग्जीक्यूटिव कोर्ट के नॉट गो बिहाइंड द डिग्री, एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है डिग्री के बाहर नहीं जा सकती, जो डिग्री पास हुई है एज इट पास जो है एग्जीक्यूट करवानी है, ऐसा देखिए डिग्री पास हुई है रिकवरी ऑफ पोजीशन की, आप उसमें मीन प्रॉफिट्स कवर नहीं कर सकते, आप उसमें रिकवरी ऑफ मनी नहीं करवा सकते, आप और कुछ नहीं करा सकते, आपने जो डिग्री पास की है एग्जीक्यूशन उसकी एज इट होगी, यहाँ तक बात क्लियर है, बस इतना समझ लें जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है वो ज़्यादा उसमें हेर फेर नहीं कर सकती कोर्ट, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 47 में जो इस्तेमाल हुआ है इसका स्कोप बहुत ही बड़ा स्कोप है, उसका स्कोप बहुत ही वाइडर है, कॉनोटेशंस स्कोप है उसका, मगर किससे देन द टर्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर हमारे पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव में सब आ जाते हैं, अब यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इससे ये रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी बहुत बड़ी अहमियत रखता है, इस पर एक अथॉरिटी है आप देख लेना 2013 MLD पेज नंबर 569, ये अथॉरिटी आप अच्छी तरह पढ़ लेना कि हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव और लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है इसमें से किसका स्कोप ज़्यादा है, इसका इसमें खाली जो रिप्रेजेंटेटिव है इसका स्कोप ज़्यादा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, यहाँ तक बात क्लियर है।